दोस्तों नशा एक गंभीर बीमारी है कह सकते हैं हम। आज कहीं अभियान चल रहे हैं नशा मुक्ति के लिए। ऐसा एक अभियान चल रहा है डिंडोसी में, नशा मुक्त अभियान चल रहा है, जो आरपी पांडे, राजेश पांडे एक पत्रकार भी है, नशा मुक्त अभियान डिंडोसी में करने जा रहे हैं। कैसे, क्या इनके ख्याल आया, क्या कुछ करना चाहेंगे? पांडे जी नमस्कार, वेलकम टू खबर 24। क्या कुछ कहेंगे सर आप नशा मुक्ति अभियान में? कैसे कल्पना आई, क्या था? नशा मुक्ति की कल्पना आना ही सबसे बुरी कल्पना है। इस कल्पना के विषय में बहुत सारे लोग एक गिरोह है, एक पूरा मेरे ख्याल से गिरोह होता है ये, और कहीं ना कहीं कहीं मिलीभक्त होती है कई चीज़ों में। मैं नाम समझ गया आप क्या पूछ रहा हूँ मैं आपको, कैसे उनको टैकल करेंगे आप? देखिए जो गिरोह है ना वो काम करना चाहता है, मतलब जिन लोगों के ऊपर दबाव आता है, खुलकर बोलता हूँ मुंबई पुलिस काम करना चाहती है, पर कुछ लोग उनको काम करने ही देते नहीं है। दबाव आ जाता है, हमारा आदमी है छोड़ दो, कार्रवाई मत करो, केस मत करो, है ना। तो ऐसे लोग चाहकर भी मुंबई पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं आज भी। आज हमारे कुरार के जनार्दन परबकर जी हैं, अभी आए हैं, पर उनका इतना अच्छा सहयोग मुझे मिला है। उन्होंने बोला कि राजेश जी आपका ये मुद्दा बहुत अच्छा है, आप अनशन कर रहे हैं, मतलब अनशन करने की नौबत आपको आ गई है, आप इसको मत कीजिए। मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और कर भी रहे हैं, दो दिन से वो डिंडोसी में कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे ऑफिसर जब होंगे ना तो समाज में इस तरीके का नशा मुक्ति का जो अभियान हम जैसे छोटे पत्रकार करते हैं तो उसको बड़ा स्तर मिल जाता है। तो पटी मैंने एक वीडियो देखा था, मैं देखा था कि आप किसी गार्डन में घूम रहे हो, सूरत वहीं से मेरे ख्याल से हुई ना, गार्डन में घूम रहे हो, कहीं आपको कुछ मिली है, बॉटल मिली है कुछ? यही है उसके जिम्मेदार, उसके जिम्मेदार हैं जो मुझे गार्डन लेकर गए और गार्डन की परिस्थिति बताने के लिए मुझे वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर मैं कुछ विषय और के लिए गया था, गार्डन में जालियाँ जो होती है सेफ्टी वो टूटी थी, गार्डन में जो व्यायाम करने के जो सीट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पर टूटे फूटे थे, खबर वो करने गया था, मगर खबर की खबर बन गई और आज डिंडोसी में एक लहर बन गई। ऐसा दुश्मनी मोल ले रहे हो, क्योंकि कुछ दुश्मनी हो लेते, वैसे मोल तो लेते ही आप अक्सर पत्रकार, तो आप दुश्मनी और हो जाएगी भाई। दुश्मनी लेना मेरा पुरानी मेरी आदत है, और लोग मुझे पागल पत्रकार, गुंडा पत्रकार, चाहे जो भी पत्रकार बोलते हैं, मेरे हाथ में जो संविधान है ना, उन्होंने मुझे भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मुझे वो संविधान दिया है, मुझे वो अधिकार दिया है, इन्हीं के वजह से आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, ये 2 रुपये की कलम, 1 रुपये का पेपर, इसी से मैं अपना जो आगे का जो पूरा प्लान है वो करता हूँ, लिखता हूँ, और इस समाज से नशा मुक्त करने का जो अभियान है उसको कुछ एक नई किरण देने की कोशिश करता हूँ। 6 दिसंबर भी है, नाम भी आपने लिया है। आज के दिन इसकी शुरुआत करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। महामानव हमारे साथ तो नहीं रहे, और उन्होंने जो संविधान में लिखा हुआ है उसका फॉलोअप कहाँ हो रहा है? उसका फॉलोअप नहीं हो रहा है, और इन भ्रष्ट अधिकारियों को और इस भ्रष्ट जो नेता इसमें सम्मिलित हैं उनके मुँह पर तमाचा है ये कि आज हमारे जैसे लोगों को, मतलब समाज सेवक एनजीओ बहुत सारे लोग हैं, आप मेरे आसपास में भी देख रहे हो एनजीओ के लोग, अभी बहुत पूरे 6 या 7 बजे तक चलेगा तो बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का व्यक्तिगत काम होता है, कुछ और भी जगह पर ध्यान देना होता है, तो आएंगे जाएंगे। ये साखली उपोषण शाम को 7 बजे तक चलेगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसमें ले रहे हैं,
आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो आज का दिन मैंने चुनने का मकसद है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे साथ तो नहीं रहे, अगर वो होते तो ये होता ही नहीं। आज नशेखोरों के वही अकेले ही भारी पड़ जाते, पर उनके पैरों की धूल बनने की कोशिश, उनके सिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करके इस विभाग को संविधान के अधिकार से हम नशा मुक्त करवाने का ये पहला बेड़ा है, ये शुरुआत है। नशे से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, हर जगह आऊँगा जहाँ पर आप भ्रष्टाचार कर रहे, कालाबाजारी कर रहे हैं और इस समाज को आपके वजह से जहाँ जहाँ दिक्कतें होगी, आप ये याद रखना राजेश हरिप्रसाद पांडे नाम का एक तूफान आपके सामने खड़ा है और दम है तो रोक के दिखाओ। इसकी कंप्लेंट कहीं की थी आपने, कोई कहीं जैसे कोई नेता उनको कोई कहा हो आपने, या कंप्लेंट की थी आपने पहले की? नहीं नहीं, मैं इसकी कंप्लेंट 2010 से कर रहा हूँ, मैं इस आंदोलन को 2010 से कर रहा हूँ। इस कंप्लेंट करते करते मुझ पर कितने कंप्लेंट हुई आपने देखा है, मैं पिछले दिनों तड़ीपार भी हो चुका हूँ। इस नशे की कारोबार को लेकर जो लोगों ने मुझ पर प्लान किया तो मुझे तड़ीपार भी कर दिया गया, मगर मेरी आवाज़ को रोक नहीं पाए, है ना। ऐसे कितने भी तड़ीपार को नोटिस, इतने कितने भी FIR, कितने भी झूठे कलंक मुझ पर लगते रहेंगे और उसको मैं गिनता नहीं हूँ। जो महामानव जी हैं उनकी कदमों पे मैं चलता रहूँगा। और ऐसे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। सही, ये डिंडोसे की बात है, एक ये समस्या जो है ना ये पूरे मुंबई की है या पूरे भारत की कह रहा हूँ मैं, पंजाब हो, गुजरात हो, कैसे है ना, हमको अगर कुछ करना है तो हमको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैंने अपने बिल्डिंग से शुरुआत की, मेरे बिल्डिंग के पीछे ही बहुत बड़ा एक जखीरा है जहाँ पर नशे का व्यापार होता है ना। तो मेरा ये परिवार डिंडोसी में रहता है, तो मैं सोचा कि चलो अपने बिल्डिंग के साथ डिंडोसी को भी निपट लूँ, है ना। और यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों को मैं इसके बारे में मैंने कहा, यहाँ के अभी जो पिछले 10 साल थे और अभी भी आमदार बने, जो आमदार सुनील प्रभु जी हैं, मैंने इसके विषय पे भी उनसे इंटरव्यू लिया, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे, पिछली बार भी उन्होंने मेरे कहने पे उठाई थी। यहाँ के जो खासदार रविंद्र वायकर जी, जो भी मेरे प्रिय हैं, मेरे चहीते हैं, उनको भी मैंने विषय पे बात की है। उन्होंने भी कहा कि राजेश जी हम पक्का अब सत्ता में आए हैं, हम इस विषय को आर पार करेंगे। सबसे बड़ी बात बता दूँ, जो मुझे चाहिए था वो मेरे देवा भाव आ गए। अब जब मुख्यमंत्री अपना है तो ये नशे का व्यापार बंद कराना कौन सी बड़ी बात है। आज हमारे जो पत्रकार पांडे जी है, इन्होंने जो नशा मुक्ति का जो आंदोलन छेड़ा उसके हम लोग साथ में, और आज का दिन एक बड़ा दिन माना जाता है, जिन्होंने संविधान लिखा, आज उनका 68वां महापरिवार दिन है। जिन्होंने संविधान लिखा वो संविधान के दिन, यानी संविधान महापरिवार के दिन आज अपने हमें नशा मुक्ति का आंदोलन छेड़ना पड़ रहा है। ये प्रशासन के मुंह पे तगड़ा चमाटा है। मैं पांडे जी को इतना कहना चाहता हूँ, पांडे जी आप ये लड़ाई लड़ते रहो, शिव संग्राम आपके हमेशा साथ रहेगा, इतना ही मैं इससे कह सकता हूँ। नमस्कार, मैं विलास किशन बोल्टे। हम राजेश जी ने जो आज आंदोलन खड़ा किया है नशा मुक्ति का, क्योंकि डिंडोसी ये मुंबई में नशा का हब हो चुका है। पठानवाड़ी बोलो, वार्ड क्रमांक 42 का ये डोंगर पट्टा बोलो, या वार्ड क्रमांक 41 का ये तुम्हारा 32 नंबर बोलो, ये मुंबई का हब बन चुका है। ड्रग्स, मतलब छोटे नशे नहीं मोटी ड्रग्स, गांजा, हकीम, ऐसे बड़ी पैमाने पे यहाँ हो रहा है। इसके लिए आंदोलन में राजेश जी खड़े हैं और शिव संग्राम पूरे ताकत से उनको समर्थन दे रहा है। राजेश जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी सर। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर यादव। आज जो अनशन हो रहा है ये डिंडोसी विभाग की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि नशा, ये नशे ने बहुत सारे लोगों का संसार उध्वस्त किया गया है। तो इसको बचाने के लिए आज यहाँ से पांडे जी जो पत्रकार है, हमारे मित्र है, वो यहाँ से शुरुआत अभी आज हो रही है। क्योंकि जो बुराई है वो बुराई है, उसको सबने मानना चाहिए, क्योंकि अगर अपना देश अगर नशा मुक्त होता स्वतंत्र के बाद, तो शायद हमारे देश में, हमारे डिंडोसी में सभी लोग सुखी और शांति से जीवन जी सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि हमने या प्रशासन ने संविधान का जो आर्टिकल्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है।
नशे के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल में कि जो नशेली पदार्थ है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर बंदी डालना चाहिए। यह अगर आर्टिकल में है तो हमारे प्रशासक और हमारे लोक प्रतिनिधि, हमारी जनता उसके पीछे क्यों नहीं, उसका अभ्यास क्यों नहीं कर रही है? और दूसरी बात है कि आज जो महामानव उनका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनका महापरिनिर्वाण दिन है, और इस अवसर पर हमारे मित्र पांडे जी ये मानते हैं कि किमान जिस देश का संविधान जिन्होंने लिखा है उनका आदर्श सामने लेकर हमने ये अच्छाई का जो मार्ग है वो अपनाना चाहिए। और हम लोग सब जन पांडे जी के साथ हैं। पांडे जी जो भी कर रहे हैं ये डिंडोशी विभाग में, वो पूरे जो मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे आपको आगे आगे समझ में आएगा क्या क्या मुद्दे हैं, वो अपने हित के लिए और जो हमारे हित के लिए उसके पूरे डिंडोशी के लोगों ने अपनाना चाहिए। उन्होंने और ख़ास तौर पर नशा के बारे में हमारे बहना है उनको मैं आह्वान करता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन अपने अच्छाई के लिए, तो इसके लिए हमने पांडे जी का जो राजेश पांडे जी इनका जो आंदोलन है उसको हम सब जन साथ देना चाहिए। और ये आंदोलन जब तक पूरा नहीं होता है, यानी ये जो समस्या का हल नहीं होता है तब तक मुझे लगता है ये चलेगा। हमारे कुरार के सभी संस्था संगठन ये सब उनके साथ है, इसके लिए यहाँ कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं है, किसी पॉलिटिक्स के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का प्रॉब्लम है। इसलिए जो भी इंसान है जो खुद को समझता है कि मैं देश का एक इंसान हूँ, मैं देश में रहने वाला एक आदर्श नागरिक हूँ, उन्होंने ये आंदोलन में साथ देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और हम यहाँ से डिंडोशी से एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इसको अगर हम सभी का जो अगर साथ है तो ये बहुत बड़ा हमारा निर्णय होगा, बहुत बड़ा आदर्श होगा, जो पूरे मुंबई या पूरे भारत में ये आदर्श लेकर पूरा भारत अपन नशा मुक्त कर सकता है। बस